मैं फूलों के हार की कद्र करता हूँ, गुलपोशी की कद्र करता हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ी सी वो होती है कि एक मिनट के लिए हार पहनाए, मैंने उतार के रख दिया, इसको आपने फेंक दिया, पैसे गए। चलो आइए आइए आप लोग, ये भी तो मोहब्बत है। एक मोहब्बत है, चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं। आइए आप लोग, बुजुर्गों के जमाने से रस्म चली। हाजी अतीक साहब हैं, हाजी मुस्लिम साहब हैं, हाजी मोहम्मद अनवार साहब हैं, हाजी जुनेद साहब हैं, हजरत यही लोग आपको तो लाए हैं माशाल्लाह, हाजी मोईन साहब हैं, ये सारे माशाल्लाह जो मुंबई से आए हुए हैं, ये सब बड़े मोहब्बत वाले हैं, और माशाल्लाह हमारे यहीं जुमा पढ़ना और हमारे यहाँ इज्तिमा में आना, ये और बहुत प्रेशर था, मैं हाजिर आ गया। खैर, अल्लाह सबको सलामत रखे। शुक्रिया। और ख़ास तौर पर आने की वजह हमारे साथी बने मौलाना मोहम्मद अमीन साहब, जिन्होंने बिल्कुल ज़िंदगी में पहली मरतबा मुझसे तारीख मांगी यहाँ के लिए, तो मैं इनकार ना कर सका। और ये गुड्डू भाई वगैरह सब जो हैं, अतीक भाई वगैरह, इनका प्रेशर था, चले आए माशाल्लाह। चलिए मैं ये गुलपोशी का मंजर आप देखें। हाजी अतीक साहब, हाजी मोईन साहब, आप लोग आ जाएँ आप लोग। हाजी मोहम्मद शकील साहब, मेरी आवाज़ को अगर आप लोग सुन रहे हो, आ जाएँ आप लोग। बिल्कुल आप हजरात इत्मीनान के साथ बैठें। गुलपोशी के बाद अभी भाई जैनुल आबिदीन एक कलाम पढ़ेंगे और कौसर व तस्नीम साहिबान एक कलाम पढ़ेंगे। ये हाजी मोहम्मद अनवार साहब हैं जो कि अपने मोहब्बतों का नजराना हजरत की बारगाह में पेश कर रहे हैं। ये हाजी मोहम्मद जुनेद साहब हैं, सुभानअल्लाह, अपने मोहब्बतों का नजराना पेश कर रहे हैं। हाजी मोहम्मद मुस्लिम साहब माशाल्लाह,